हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली प्लानिंग मेथड और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। फैमिली प्लानिंग मीन टू डिसाइड नंबर्स एंड टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। फैमिली प्लानिंग की क्या डेफिनेशन है? फैमिली प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड नंबर एंड टाइमिंग ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, टू कंट्रोल द एट विच बर्थ इन अकर्स, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। फैमिली प्लानिंग। फर्टिलिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ पीपल और एनिमल्स टू प्रोड्यूस हेल्थी ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि पीपल्स या फिर एनिमल्स, अब हम यहाँ पे पीपल्स की बात करेंगे, तो पीपल्स की एबिलिटी होना ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, इट इज़ प्रोक्रिशनल और चाइल्ड बियरिंग। फर्टिलिटी रेट क्या होती है? द एक्चुअल बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं? एज एट मैरिज। ठीक है, मैरिज के टाइम पे एज क्या है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लाइफ, या स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और एजुकेशन या इकोनॉमिकल स्टेटस, या फिर कास्ट एंड रिलीजियस, या फिर न्यूट्रिशन, या फिर फैमिली प्लानिंग। और अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फर्टिलिटी। एज ऑफ मैरिज, तो जो लोअर एज में मैरिज हो ना, वो हाई लेवल होता है फर्टिलिटी के। जैसे फीमेल में एज फ्रॉम 15 टू 18 ईयर्स की एज में मैरिज, या फिर मेल की 18 टू 21 ईयर में। सेकंड, ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, तो फर्स्ट 10 टू 15 हावर ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ मेजोरिटी ऑफ बर्थ। सो फर्स्ट 5 टू 10 ईयर टू हैव डिजायर इफेक्ट, यूज ऑफ स्पेस मेथड एंड स्टेलाइजेशन ऑपरेशन आफ्टर कंप्लीट फैमिली। ठीक है, थर्ड है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। कपल्स आर एडवाइज टू कीप स्पेसिंग ऑफ 2 to 3 ईयर्स बाई यूजिंग स्पेसिंग मेथड, सो फर्टिलिटी विल बी रिड्यूस्ड। फोर्थ इज एजुकेशन। फर्टिलिटी रिलेटेड विद एजुकेशन, इनवर्स रिलेटेड टू एजुकेटेड स्टेटस। फाइव इज इकोनॉमिकल स्टेटस। फर्टिलिटी रिलेटेड विद द इकोनॉमिकल स्टेटस, इनवर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिकल स्टेटस। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न डिक्लाइन विद इंक्रीज इन इकोनॉमिकल स्टेटस। सिक्स इज कास्ट एंड रिलीजन। सम कास्ट हैव हायर फर्टिलिटी इफेक्ट फर्टिलिटी, सम लो कास्ट हैविंग हाई फर्टिलिटी रेट। न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑन फर्टिलिटी, हाई एंड वेल फिट सोसाइटी हैविंग लो फर्टिलिटी एंड वॉइस पर्सन। फैमिली प्लानिंग, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग विल रिड्यूस फर्टिलिटी। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। वेरियस इंडिकेटर्स डेट्स एंड रेशियो टू मेजर द फर्टिलिटी। सबसे पहले क्रूड बर्थ रेट, फिर जनरल फर्टिलिटी रेट एंड जनरल मैराइटल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो। तो ये सब है फर्टिलिटी को मेजरमेंट करने के मेथड। इसके बाद में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, MDGs क्या होता है, गोल क्या है इसके? इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर क्वालिटी एंड इम्प्रूव वुमेन, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ एंड कॉम्पैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस, और इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच कैन प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंडोम्स।
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इफ यू शुड बी सेफ इफेक्टिव एक्सेप्टेबल इनएक्सपेंसिव सिंपल टू एडमिनिस्टर ईजियर टू यूज रिक्वायर लिटिल और नो मेडिकल सुपरविजन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कोइटस। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नो वन फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट, सुटेबल टू वन ग्रुप ऑफ पीपल, सो पीपल हैव टू चूज एनी वन मेथड डिपेंडिंग अपॉन नीड विश एंड सस्टेनेबिलिटी। द कपल कैन चूज एनी वन मेथड बाई कंसिडरिंग देयर सुटेबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कौन कौन से होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव? दो होते हैं मेनली, टेम्प्रेरी मेथड एंड परमानेंट मेथड। टेम्प्रेरी मेथड में कौन कौन से होते हैं? बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेराइन मेथड, हॉर्मोनल मेथड, पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड एंड मिसलेनियस मेथड। थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं। टेम्प्रेरी मेथड में सबसे पहले बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड दो तरह का होता है, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। सबसे पहले फिजिकल मेथड में जैसे कॉन्डोम्स एंड डायफ्राम, एंड केमिकल मेथड में फोम्स एंड क्रीम्स। सेकेंड है इंट्रा यूटेराइन मेथड, इसके मतलब नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस एंड सेकेंड है मेडिकेटेड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इसके मेडिकेटेड में दो होते हैं, मेटल कंटेनिंग एंड हॉर्मोनल कंटेनिंग। थर्ड है हॉर्मोनल मेथड। हॉर्मोनल मेथड में ओरल पिल्स, सबसे पहले ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स में कौन कौन सी होंगी? कंबाइंड पिल्स आएंगी, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आएंगी, मेल पिल्स आएंगी, वंस ए मंथ पिल्स होगी। बी होगा स्लो रिलीज प्रिपरेशन, तो इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स, वेजाइनल रिंग्स। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड। पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन एंड अबॉर्शन। मिसलेनियस मेथड में कौन क्या क्या होंगे? एब्सटिनेंस, कोइटस इंटरप्शन, सेफ पीरियड्स, नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बर्थ कंट्रोल वैक्सीन। ठीक है, परमानेंट मेथड में दो होते हैं, मेल स्टरलाइजेशन वैसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल स्टरलाइजेशन को ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बैरियर मेथड देखते हैं, सूटेबल फॉर बोथ एंड फीमेल। ठीक है, बैरियर मेथड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सूटेबल होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इसके प्रिवेंट द लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम। ठीक है, जो लाइव स्पर्म है उसको ओवम से मीट होने से रोकना। ठीक है, तो ये तीन टाइप के होते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड कंबाइंड मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या होंगे? अवेलेबल एंड सूटेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, फॉर मेल कॉन्डोम्स और फॉर फीमेल डायफ्राम। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट द लाइव स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम बाय फिजिकल और केमिकल। एडवांटेज क्या है इसके? फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट, ईजी टू यूज एंड प्रिवेंट STD एंड AIDS एक्सेट्रा। तो सबसे पहले फिजिकल मेथड में कॉन्डोम्स देखते हैं। द मेल फॉर मेल्स, मेल्स के लिए यूज होता है, वाइडली यूज ओवरऑल इन वर्ल्ड, इन इंडिया निरोध मीनिंग प्रिवेंशन। ठीक है, मेड फ्रॉम लेटेक्स, लेटेक्स से बने होते हैं ये, यूज बाय मेल बिफोर इंटरकोर्स। ठीक है, 15-20 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2-3.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मैकेनिज्म क्या होता है इसका? प्रिवेंट इंट्री एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कॉन्डोम्स एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके? लेस साइड इफेक्ट होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट STD एंड AIDS, नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड, चीप, सेफ, डिस्पोजेबल, लाइट एंड कॉम्पैक्ट। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके? चांसेस ऑफ स्लिप ड्यूरिंग कोइटस, मे गेट टीयर ड्यूरिंग कोइटस, एलर्जिक। ठीक है, सम मेल्स में एलर्जी भी हो सकती है इसकी, नॉट इफेक्टिव व्हेन इट नॉट करेक्टली यूज। ठीक है, जब करेक्टली इसको यूज नहीं किया जाए तो इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट फीमेल कॉन्डोम्स, जिसको फेमिडोम भी बोलते हैं, थिन पॉली यूरेथेन शीथ प्लेस इनसाइड द वजाइना। पॉली यूरेथेन शीथ के बने होते हैं, आल्सो कवरिंग द सर्विक्स एंड एरिया आउटसाइड टू स्टॉप स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग।
इट कैन बी पुट इन एट एनी टाइम बिफोर सेक्स, इट एक्चुअली स्ट्रोंगर देन द मेल कॉन्डोम्स, मेल कॉन्डोम से ज़्यादा स्ट्रोंगर होते हैं। इट नीड टू बी इंश्योर दैट द पेनिस एंटर्स इन कॉन्डोम्स, ठीक है, एंड इज नॉट इंसर्टेड बिटवीन द कॉन्डोम्स एंड वजाइना वॉल। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके, ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD इंक्लूड HIV एंड AIDS, एंड इफेक्टिवनेस क्या होती है इसकी 95% इफ यूज करेक्टली। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम यूज्ड फॉर फीमेल, शेलो डोम शेप्ड सिंथेटिक ऑफ रबर एंड प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है, रबर या प्लास्टिक मटेरियल के बने होते हैं। डायमीटर इसका होता है 3 to 4 inches का। इट हैवी हैविंग फ्लेक्सिबल रिम होती है इसमें। यूज बिफोर इंटरकोर्स, इंटरकोर्स से पहले इसको प्लेस किया जाता है सर्विस के आगे वजाइना के थ्रू, ठीक है, और आफ्टर इंटरकोर्स 6 hours के बाद में इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसका, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एडवांटेज क्या क्या इसके, इजी टू यूज, एब्सेंस ऑफ रिस्क, नो इंटरफेरेंस इन सेक्सुअल प्लीजर, नो मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन। डिसएडवांटेज क्या क्या इसके, इनिशियली डेमोस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड एंड प्राइवेसी रिक्वायर्ड फॉर इंसर्शन। वेजाइनल स्पंज, वेजाइनल स्पंज मीन्स स्मॉल पॉली यूरेथेन फोम स्पंज सैचुरेटेड विद नॉन ऑक्सिलोन 9। नॉन ऑक्सिलोन 9 इज ए केमिकल, स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, ठीक है, मार्केटेड अंडर नेम टूडे, तो मार्केट में ये टूडे नाम से आता है। लेस इफेक्टिव देन डायफ्राम, डायफ्राम से लेस इफेक्टिव है मेथड। उसके बाद में केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में कंटेन स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल इसमें होता है, यूज बिफोर इंटरकोर्स, यूज इन द फॉर्म ऑफ फोम क्रीम, मतलब इन फॉर्म में जो ये केमिकल मेथड है वो क्रीम के फॉर्म में है ना, फोम के फॉर्म में आती है, जेली आती है, पेस्ट आता है, सपोजिटरी आती है और सोल्यूबल फिल्म्स आती हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किल द स्पर्म बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है, जो ये क्या करती है, ये जो केमिकल मेथड है वो स्पर्म को किल करते हैं। और इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, हाई फेलियर रेट, नीड टू बी यूज रिपीटेड, माइल्ड बर्निंग, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, एडवांटेजेस नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, माइल्ड बर्निंग, इरिटेशन इफेक्ट पॉसिबल, टेराटोजेनिक इफेक्ट भी हो सकते हैं और हाई फेलियर रेट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में इनका इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस IUDs इंट्रोड्यूस इंटू यूट्रस, यूट्रस के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए इनको इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस बोलते हैं, टू कंट्रोल प्रेगनेंसी, ठीक है। अरब्स में इनका फर्स्ट यूज होता था फॉर कैमल्स के लिए, ओरिजिनली यूज बाय 1991, मेड अप ऑफ सिल्क वॉर गट। 1959 जापान इंट्रोड्यूस IUD ऑफ प्लास्टिक्स। टाइप्स ऑफ IUD, तो कॉपर 7, लिप्स लूप, प्रोजेस्टा सर्ट, पैरा गार्ड, कॉपर टी, या फिर सेल्फ टी कोइल, या फिर डेलकॉन शील्ड, ये टाइप की IUDs होती हैं। उसके बाद में अदर टाइप देखते हैं इसके, तो फर्स्ट जनरेशन IUD क्या होते हैं, नॉन मेडिकेटेड और इंसर्टेड IUD होती हैं, मेड अप ऑफ पॉली इथाइलिन और अदर पॉलीमर्स, एग्जाम्पल लिप्स लूप्स, सीरिंज एंड बोट्स ETC, ठीक है। सेकेंड जनरेशन के IUDs में क्या क्या होते हैं, कॉपर होता है इनमें, ठीक है, सेकेंड जनरेशन के IUD में कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर कंटेनिंग डिवाइस, स्मॉलर एंड ईजियर टू फिट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉपर इन प्लास्टिक IUDs, ठीक है, प्लास्टिक IUDs होती है उनके ऊपर कॉपर लिपटा रहता है। इसके एग्जाम्पल है कॉपर 7, कॉपर टी 280C। थर्ड जनरेशन की जो IUCD होती हैं उनके अंदर जो टी शेप डिवाइस होता है उसके अंदर हॉर्मोन्स फिल होते हैं, कौन सा हॉर्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, जो कि यूट्रस के अंदर स्लोली स्लोली रिलीज होता रहता है।
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन की आईओसीडी जो होती है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, सेकेंड जनरेशन की आईओडी होती है वो उसके अंदर कॉपर होता है जो कि एंटी फर्टिलिटी एजेंट होता है, ठीक है, जो कि एक अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देता है स्पर्म के लिए, ठीक है, यूट्रस के अंदर, जो कि जिसके अंदर क्या होता है कि स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है और प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। थर्ड जनरेशन के आईसीडी में क्या होता है कि हार्मोन रिलीज होता है जो कि सर्वाइकल की विस्कोसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, और यूट्रस की भी विस्कोसिटी को बढ़ा देता है और आल्सो मेक यूट्रस अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांट ऑफ फर्टिलाइज एग, ठीक है, और जो फर्टिलाइज अगर एग फर्टिलाइज भी हो गया तो उसको इम्प्लांट होने से रोकने के लिए भी यूट्रस को अनफेवरेबल बना देता है, ठीक। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इंसर्शन इज सिंपल, इफेक्ट फॉर फ्यू ईयर्स, नो सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट, रिवर्सिबल, सेफ, इफेक्टिव, नॉट रिक्वायर डेली एक्सरसाइज। आईयूडीज इफेक्टिवनेस क्या होगी इसकी, मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल मेथड, लेस फेल्योर रेट, ठीक है, 100 में से 5% फेल्योर रेट हो सकती है इसकी, इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेफ एरिया ऑफ कॉपर। कॉन्ट्राइडिकेशन क्या क्या होंगे इसके, तो इन प्रेगनेंसी में इसको नहीं लगा सकते, जीआईटी कार्सिनोमा में नहीं दे सकते, इन्फ्लामेशन एंड पेल्विक कैंसर्स में। साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईओडी, तो साइड इफेक्ट क्या क्या उसके, ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, पेल्विक इन्फ्लामेशन हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्सपल्सन ऑफ, क्योंकि जब यूट्रस एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होगी कि यूट्रस में यूट्रस का इन्वायरमेंट तो अनफेवरेबल कर दिया लेकिन प्रॉपर्टी ने, लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है। उसके बाद में एक्सपल्सन ऑफ आईओडीज, आईओडीज का एक्सपल्सन भी हो सकता है स्पॉन्टेनियस। उसके बाद में लिप्स लूप, तो लिप्स लूप में ये भी आईओडी का टाइप है लिप्स लूप, तो डबल एस शेप डिवाइस होता है ये, मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन, ठीक है, पॉलीइथाइलिन का बना होता है, इंसर्ट नॉन टॉक्सिक और ड्यूरेबल। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसका, चीप होता है ये, इजी टू इंसर्ट होता है, नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल प्लेजर। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, मे कोज पेन एंड ब्लीडिंग, ठीक है, ट्रेंड पर्सन रिक्वायर फॉर इंसर्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है हार्मोनल मेथड, 100% इफेक्टिव मेथड होता है ये हार्मोनल मेथड, अवेलेबल इन द बोथ ओरल एंड इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, मेनली क्लासिफाइड टू टाइप्स, ओरल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे इसमें कौन कौन सी होती हैं, कंबाइंड पिल्स होती हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं, ठीक है, पोस्ट कोइटल पिल्स होती हैं, वंस इन मंथ पिल्स होती हैं, मेल पिल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हार्मोनल मेथड में डिपोर्ट फॉर्मुलेशन, स्लो रिलीज प्रिपरेशन, जैसे इंजेक्शन होते हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं और सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स होते हैं, वेजाइनल रिंग्स होती हैं, ठीक है, तो ये पिल्स हैं, ठीक है। तो हम जो पिल्स हैं उनके बारे में देखते हैं, सबसे पहले कंबाइंड पिल्स कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन, तो हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, 30-35 mcg ऑफ सिंथेटिक इंस्ट्रोजन होता है विद 0.5-10 mg ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ठीक है, तो 30-35 mcg इसमें ईस्ट्रोजन होगा और 0.5-10 mg इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है। टेक वन पिल ईच डे फॉर 20, मतलब इसमें क्या होता है कि 21 दिनों तक एक पिल्स ली जाती है हर दिन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से इसको स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इन सम केसेस 28 डेज रिजाइमन विद टेबलेट ऑफ फेरियस फ्यूमिनेट, ठीक है, तो 21 डेज तक तो ये टेबलेट ली जाती है हॉर्मोनल, और बाकी के दिन में जो 28 में से 21 गए तो बाकी के दिन में जो बचेंगे उनमें फेरस जो फ्यूमिनेट टेबलेट होती हैं, ठीक है, वो टेबलेट दी जाती है, ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कोई टेबलेट नहीं दी जाती है, ठीक है। और इसके बाद में इसके दो फॉर्म होते हैं, माला डी एंड माला एन।
इसके बाद में नेक्स्ट कंबाइंड पेस मालायन में क्या होता है, कंटेनिंग नोर इथ्रिस नोर इथ्रिस स्ट्रेन एसीटेट 10 mg एंड इथाइलिन इस्ट्रोइडल 0.03 mg प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मालाडी लीवो नॉर्देस्ट्रोन होता है, इसमें 0.15 mg एंड इथिनो इथिलिन एस्ट्रोइडल 0.03 mg होता है। अवेलेबल इन 28 टेबलेट 21st हॉर्मोन पिल्स प्लस 7 क्वेरस फोमेरेट ब्राउन पिल्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं इसका, प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी बाय ब्लॉकिंग पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो पिट्यूटरी के गोनाडोट्रोपिन के सिक्रीशन को ब्लॉक करके ये ओवरी में से ओवम के रिलीज को प्रिवेंट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इट विल डज नॉट इंटरफेयर विद द एक्टिविटी और प्लेजर ऑफ सेक्स। ए फुल मेडिकल हिस्ट्री इज इसेंशियल। हु स्मोक और आर वेरी ओवर वेट मे बी एडवाइज टू चूज अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब स्मोकिंग वाले पेशेंट को और ओवर वेट वाले पेशेंट को तो मैं ओर सी पी नहीं दी जाती है। द कम्बाइंड पिल्स इज नॉट रिलायबल टू टेक ओवर 12 hours लेट। ठीक है, मतलब इसको टाइम से ही लेना होता है, 12 hours लेट इसको नहीं लेते। इफेक्टिवनेस इसकी 99% होती है इफ टेकन करेक्टली। उसके बाद में प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स या मिनी पिल्स भी बोलते हैं इसको, ओनली कंटेन हॉर्मोन प्रोजेस्ट्रॉन रेफर इन मिनी पिल्स। दिस टाइप ऑफ पिल्स गुड फॉर वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, ओल्डर वुमेन, स्मोकर एंड अदर हु कैन यूज ऑफ हु कैन नॉट यूज ऑफ कम्बाइंड। जो कम्बाइंड पिल्स को नहीं ले सकते हैं जैसे स्मोकर, ओल्डर वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, वो ये मिनी पिल्स ले सकते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, इट वर्क्स बाय थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, जो सर्वाइकल म्यूकस उसको थिक कर देता है, विच एक्ट एज ए बैरियर टू स्टॉप स्पर्म एंटरिंग द वोम। ठीक है, इट आल्सो मेक द लाइनिंग ऑफ द वोम थिनर टू प्रिवेंट इट एक्सेप्टिंग ए फर्टिलाइज्ड एग। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली मिक्स पिल्स। उसके बाद क्या होता है, इट कैन आल्सो हेल्प विद प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड पेनफुल पीरियड्स। क्या इसके एडवांटेज क्या 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 होते हैं, द मेल द पिल डज नॉट इंटरफेयर विद द स्पॉन्टेन टू सेक्स। इट मस्ट बी टेक एट द सेम टाइम ईच डे और एट मोस्ट विद इन 3 hours ऑफ दैट टाइम। इट विल नॉट वर्क इफ टेक ओवर 3 hours लेट। और इफ यू हैव वोमिटिंग एंड डायरिया कॉजिंग इरेगुलर ब्लीडिंग पीरियड में स्टॉप ऑल गेदर वाइल ए आर टेकिंग इट। इफेक्टिव इज 98% इफ टेकन करेक्टली। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें कब क्या इसको कब लेते हैं पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन को, तो इन पिल्स को कब लिया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद नो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। ठीक है, विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो उस दौरान अगर प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करने के लिए, व्हेन देयर इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेलियर और ए मेथड इज यूज इनकरेक्टली सच एज कंडोम्स लीकेज या फेलियर टू टेक पिल्स विद 3 consecutive days। ठीक है, पिल्स मतलब पिल्स नहीं लिए 3 days तक, या फिर डिले कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन मोर देन 2 weeks। ठीक है, या फिर मिस कैलकुलेशन ऑफ इन फर्टिलाइज सेफ पीरियड, या फिर फेल्ड कोइटस इंटरप्शन, या ठीक है इनवॉलंटरी सेक्स सच एज रेप या सेक्सुअल असोल्ट। इन इन कंडीशन में जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को लिया जाता है, विद इन 72 hours उसको लिया जाता है। दो मेथड इसके अवेलेबल हैं, एक है हॉर्मोनल, दूसरा है आईओडी। तो हॉर्मोनल मेथड में मोस्ट एक्सेप्टेबल है ये, सिंगल टैबलेट ली जाती है विद इन 72 hours में। लीवो नॉर्देस्ट्रॉन की टैबलेट होती है ये 1.5 mg की। ठीक है, जिसको अनवांटेड आई पिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आईओडी भी इसमें इंसर्ट की जाती है, इंसर्टेड विद इन 3 to 5 days। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन
जैसे कि आप देख रहे हैं ये है आई पिल। उसके बाद में वन से मंथ लॉन्ग एक्टिंग पिल्स, अब देखते हैं वन से मंथ वाली पिल्स लॉन्ग एक्टिंग पिल्स होती है ये क्यूनेस्ट्रोन लॉन्ग एक्टिंग इस्ट्रोजन गिवन विद प्रोजेस्ट्रॉन हाई फेलियर रेट इरेगुलर ब्लीडिंग। उसके बाद में मेल पिल्स प्रिवेंटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इंटरफेयरिंग विद स्पर्म स्टोरेज मैच्योरेशन प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन इन वास अफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सेमाइनल फ्लूड्स एंड गोसीपोल कॉटन सीड ऑयल या नॉट एनी इफेक्ट ड्रग अवेलेबल टिल डेट। नेक्स्ट है बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ओसीपी। ओसीपी के क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है? ऑलमोस्ट 100% इफेक्ट इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एट लीस्ट 6 डिजीजेज। कौन कौन सी मतलब जो ओसीपी है वो 6 डिजीजेज से भी प्रिवेंट करती है, जैसे कि बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर से, ओवेरियन सिस्ट से, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ओवेरियन कैंसर से। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओसीपी, ओसीपी के एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट होते हैं, हैव 40% मोर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी देन नॉन यूजर ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर कॉजेज। कार्सिनोजेनेसिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, डीरेंज्ड लिपिड प्रोफाइल, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अदर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? लीवर डिसऑर्डर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एडिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर एंड कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। डिक्रीज इन ब्रेस्ट मिल्क इफ यूज ड्यूरिंग लैक्टेशन, मोर चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन केस ऑफ मेनी पिल्स, एंड इल इफेक्ट इन फीटल डेवलपमेंट नॉट प्रूव्ड येट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ओसीपी, किन किन कंडीशन में ओसीपी नहीं ली जाती है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होते हैं इसके, जिसमें कि बिल्कुल भी ओसीपी को नहीं एडवाइस किया जाता, जैसे कि ब्रेस्ट का कैंसर हो, लीवर डिजीज हो, या कार्डिक एबनॉर्मलिटी हो, या अनडायग्नोसिस यूटेराइन ब्लीडिंग हो। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड स्पेशल सर्विसेज, जैसे कि एज ओवर 40 ईयर्स, या फिर एज ओवर 35, या स्मोकिंग हो, माइल्ड हाइपरटेंशन, या क्रोनिक लीवर डिजीज, माइग्रेन्स, या फिर नर्सिंग मदर इन फर्स्ट 6 मंथ। स्लो रिलीज प्रिपरेशन, अब देखते हैं कुछ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव तो होते हैं, तो स्टार्टेड ऑन 5th डे ऑफ मेस्ट्रेशन, ये भी मेस्ट्रेशन के 5th डे पे स्टार्ट किया जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्टेबल्स, DMP जिसको बोलते हैं, जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। ठीक है, डिपो मिथोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, 99% प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए ये इंजेक्शन दिया जाता है, 150 mg IM लगता है ये एवरी 3 मंथ पे। ठीक है, 99% प्रोटेक्शन होता है, और ये इसका मैकेनिज्म कैसे होता है कि ये ओवुलेशन को सप्रेस कर देता है। उसके बाद में NET NEN नोर इथिस्ट्रेन इनेटेट, इसमें क्या होता है, नॉट कॉमनली यूज, ये कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है। 200 mg एवरी 2 मंथ इसको लगाया जाता है, हायर फेलियर रेट कंपेयर टू DMP। उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, स्मॉल स्टिक आती है ये, ठीक है, कंटेनिंग द हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन, इसके अंदर हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन कंटेन होता है, इंसर्टेड अंडर द स्किन इन द आर्म। ठीक है, हार्मोन इज स्लोली रिलीज इनटू बॉडी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है? प्रिवेंट एगिंग एग्स फ्रॉम बीइंग रिलीज फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एन एग और एन एग सेटलिंग इन द वूम, तो इन सबको ये प्रिवेंट करता है। एडवांटेज क्या क्या है इसके? इम्प्लांट इज गुड मेथड फॉर वुमेन हु वांट टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एज इम्प्लांट लास्ट फॉर 3 ईयर्स। पीरियड कैन बी बिकम इरेगुलर और स्टॉप ऑल टुगेदर। ठीक, इफेक्टिवनेस 99%। उसके बाद में सब क्यूटेनियस इम्प्लांट, सब क्यूटेनियस इम्प्लांट्स में क्या क्या होते हैं? बार्कल अंडर नेम नोर प्लांट कंटेन 6 सिलिकॉन रबर कैप्सूल, ईच कंटेन मतलब इसके अंदर 6 सिलिकॉन रबर कैप्सूल होते हैं। ठीक है, जो कि मार्केट में नोर प्लांट के नाम से आता है। इसके अंदर हर कैप्सूल के अंदर 35 mg ऑफ लियोनोर्जेस्ट्रॉल होता है हार्मोन। इम्प्लांट बीनीथ स्किन, स्किन के बीनीथ इसको इम्प्लांट किया जाता है। फोर आर्म एंड अपर आर्म,
प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर फाइव ईयर्स, ठीक है, 4-5 ईयर्स तक प्रोटेक्शन करता है ये। स्मॉल फेलियर रेट है इसकी। साइड इफेक्ट क्या है? डिस्टर्बन ऑफ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है इसके? कैंसर ऑफ ब्रेस्ट या ऑल जेनिटल कैंसर, अनडायग्नोस्ड यूटेराइन ब्लीडिंग एंड ससेप्टेबल मेलिग्नेंसी। सबडर्मल इम्प्लांट, सबडर्मल इम्प्लांट में क्या होता है? नोड प्लांट। सिक्स्थ सिलास्टिक सिलिकॉन रबर कैप्सूल कंटेनिंग 35 mg ईच ऑफ LNG, ठीक है। और नोर प्लांट आर आता है ये। इसमें क्या होता है? इजी टू रिमूव। रोड आर इंसर्टेड बीनीथ द स्किन ऑफ फोरआर्म या अपर आर्म। इफेक्टिव ने इफेक्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 5 ईयर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है वेजाइनल रिंग। सॉफ्ट फ्लेक्सिबल वेजाइनल रिंग 2 inches इन डायमीटर, डिलीवर्स लो डोजेस ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन टू द बॉडी। रिंग इज इंसर्टेड इन वेजाइना एंड लेफ्ट फॉर 3 वीक्स, ठीक है। 3 वीक्स तक इसको रख सकते हैं, देन रिमूव फॉर 1 वीक, ड्यूरिंग विच ए वुमेन मेंस्ट्रुएट के टाइम में इसको रिमूव कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में ए न्यू रिंग इंसर्टेड आफ्टर द 1 वीक ब्रेक, ठीक है। उसके बाद में 1 वीक के ब्रेक के बाद में न्यू रिंग को इंसर्ट किया जाता है। इसका मैकेनिकल एक्शन क्या होता है? प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाई सप्रेसिंग ओवुलेशन एंड थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस विच हेल्प ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूट्रस। लिस्ट 98% इफेक्टिव विद परफेक्ट यूज। साइड इफेक्ट हॉर्मोनल फैमिली प्लानिंग मेथड। साइड इफेक्ट क्या क्या होता है हॉर्मोनल फैमिली प्लानिंग मेथड के? नोजिया हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, वेजाइनल इन्फेक्शन, माइल्ड हाइपरटेंशन और डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग में इसको नहीं देना चाहिए हॉर्मोनल मेथड को। फैमिली हिस्ट्री में जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, ठीक है, तो उन कंडीशन में नहीं देना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीजेस है या फिर हिस्ट्री ऑफ लीवर डिजीज है या अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है, तो इन कंडीशन में जो हॉर्मोनल मेथड है वो नहीं देने चाहिए। पॉसिबल कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हॉर्मोन, पॉसिबल कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि 40 ईयर से ये ज़्यादा है, ब्रेस्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मेलिग्नेंसी है, डायबिटीज मेलाइटिस है, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, हाई ब्लड प्रेशर है, मेंटल डिप्रेशन है, माइग्रेन या अदर टाइप ऑफ वैस्कुलर हेडेक है। पोस्ट कंसेप्शनल मेथड, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, एस्पायरेशन ऑफ यूटेराइन कंटेंट विद इन 6 to 14 days ऑफ पीस मिस्ड पीरियड, ठीक है। जो उसके बाद में मेंस्ट्रुअल इंट्रोडक्शन बाय इंट्रा यूटेराइन इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन अप टू एबॉर्शन मे बी फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर। दिस प्रोसीजर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय MTP एक्ट ऑफ 1971 अलाउड ओनली इफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज फेलियर। उसके बाद में नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में क्या क्या आते हैं? इन्वॉल्विंग फाइंडिंग आउट व्हेन ए वुमेन इट इज एट हर मोस्ट फर्टाइल, सो एक्स्ट्रा केयरफुल और अवॉइड यूज एल्बो एल टुगेदर ड्यूरिंग दीज टाइम्स कैन बी डन बाय यूजिंग टेक्निक्स। वुमेन कीपिंग ए डेली रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ए स्पेशल फर्टिलिटी थर्मोमीटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक इज रिकमेंडेड टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड। नेचुरल अल्टरनेटिव हॉर्मोन बैरियर मेथड बट टेक्निक्स यूज रिक्वायर सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड क्लियर अंडरस्टैंड द हाउ टू मोनिटर फर्टिलिटी। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो डू नॉट टेक इन टू अकाउंट फ्लक्चुएशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड देखें कौन कौन से होते हैं? कैलेंडर मेथड, विथड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्शन या बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सिम्प्टोथर्मल मेथड, ओवुलेशन अवेयरनेस मेथड एंड लैक्टेशनल अमीनोरिया मेथड। सबसे पहले रिदम मेथड,
यूज ऑफ पेशेंट विद रेगुलर साइकिल ओनली डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ ओवुलेशन डे। ठीक है, तो रिदमिक मेथड होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, जो रेगुलर साइकिल होते हैं उन पेशेंट में ही ये यूज किया जाता है, जिन पेशेंट की रेगुलर साइकिल होती है। ठीक है, और उसके बाद में जो ओवुलेशन डे है उसको उसका एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए कि किस दिन ओवुलेशन होना है। अवॉइड इंटरकोर्स, मतलब जो ओवुलेशन के टाइम है उससे जस्ट कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल ए रेगुलर पीरियड दैट अकर्स 28 डेज। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे कि एक रेगुलर पीरियड है वो 28 डेज पे होता है, लेकिन ओवुलेशन जो होता है वो 14 डेज पे होता है, तो उस टाइम पे इंटरकोर्स को 4 to 5 डेज बिफोर एंड आफ्टर अवॉइड करना चाहिए। देर आर मेनी मेथड ऑफ डिटेक्ट ओवुलेशन डे। तो ओवुलेशन को डिटेक्ट करने के लिए बहुत से मेथड होते हैं, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो सर्वाइकल म्यूकस है उसका भी, वो भी चेंज हो जाता है, उसका भी टाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, और बाय यूजिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन किट आती है उसके जरिए भी हम ओवुलेशन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में विथड्रॉल कोइटस इंटरप्शन, इसमें क्या होता है कि व्हेन हैविंग सेक्स द मेल हैज टू टेक हिज पेनिस आउट ऑफ द वेजाइना बिफोर इजाकुलेशन। दिस इज इंटेंडेड टू स्टॉप स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द वुमेन। दिस मेथड फ्रीक्वेंटली फेल्स एज ड्रॉप ऑफ स्पर्म कैन ऑलरेडी एस्केप फ्रॉम द पेनिस इनटू द वेजाइना बिफोर द मेन इजाकुलेशन। इफेक्टिवनेस इसकी क्या होती है, फेलियर रेट कैन बी हायर एज 15%। ठीक है, और मोर रिलायबल मेथड आज एडवाइज्ड। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेलाइजेशन मेथड देखते हैं, जो कि टर्मिनल मेथड है। इट मींस, व्हाट इज मीन स्टेलाइजेशन? स्टेलाइजेशन इज ए मेडिकल टेक्निक दैट इंटेंशनल प्रोसीजर वेयर ए पर्सन इज अनअवेलेबल टू रिप्रोड्यूस। इट इज मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। स्टेलाइजेशन मेथड इंक्लूड बोथ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल एंड एग्जिस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। स्टेलाइजेशन प्रोसीजर आर इंटेंडेड टू बी परमानेंट, इरिवर्सिबल, इज जनरली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। रिवर्सिबल इज जनरली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल मीन्स इट इज इरिवर्सिबल। स्टेलाइजेशन ऑफर्स मे एडवांटेज ओवर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इट इज़ वन टाइम मेथड। टाइप ऑफ स्टेलाइजेशन, फॉर मेल स्टेलाइजेशन वेसेक्टोमी एंड फॉर फीमेल स्टेलाइजेशन ट्यूबेक्टोमी। मेल स्टेलाइजेशन वेसेक्टोमी, सिंपल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इवन इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बाय ट्रेन डॉक्टर्स अंडर लोकल एनेस्थीसिया। व्हेन कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक टू रिड्यूस रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। इन वेसेक्टोमी इट इज रिमूवल ए स्पीस ऑफ वास एट लीस्ट 1 centimeter आफ्टर क्लैंपिंग। द एंड आर लाइगेटेड एंड देन फोल्डेड बैक ऑन देमसेल्फ एंड सुचर्ड इन टू पोजिशन सो दैट द कट एंड फेस एंड अवे फ्रॉम ईच अदर। वेसेक्टोमी इज ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेसेक्टोमी। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, वेसेक्टोमी इज सिंपलर, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव ऑपरेशन देन ट्यूबेक्टोमी। इज टर्म टू इंस्ट्रूमेंट्स, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर ट्रेनिंग। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, पेन, स्क्रोटल हिमेटोमा, लोकल इन्फेक्शन, रीजनल स्वेलिंग या साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन दैट इज इम्पोर्टेंस, हेडेक, फैटिक, सेक्सुअल विगोरस। Then female sterilization या tubectomy, also known having one's tubes tied. It is surgical procedure for sterilization in which a woman's fallopian tubes are clamped and blocked or several and sealed. Either method which prevent egg from reaching the uterus or implant. Tubal ligation is considered major surgery. Patient undergo spinal anesthesia. Surgeon will make a small incision at each side of but just below the navel in order of gain access for each two fallopian tube. With the traditional tube ligation, the surgeon serves the tubes
then ties then the deer prevent the travels the egg to the uterus. Other method include using clips or ring to clamp then shut and severing cauterization then. इसमें क्या जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको कट करके उनको अलग अलग मेथड के थ्रू टाई किया जाता है, ठीक है, या तो उनको कट एंड टाई किया जाता है, दोनों एंड्स को टाई किया जाता है, या फिर एक रिंग, प्लास्टिक रिंग या बैंड के थ्रू उनको ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, या फिर कोटरी के थ्रू उनको उनको क्या है दोनों एंड्स को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है, या फिर क्लिप का यूज करके भी दोनों एंड्स को ब्लॉक किया जाता है. इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ट्यूब लाइगेशन इन कंसिडर ए परमानेंट मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल. रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी. रिड्यूसेस द पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर. डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? इन्फेक्शन एंड एब्सेसेस ऑफ वुंड. डेथ ड्यू टू प्रोसीजर ऑफ एनेस्थीसिया एक्सट्रीमली रेयर. ओके, ये हमारा हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, जो हमने इसमें दो टाइप के परमानेंट एंड टेम्परेरी दो टाइप के हमने मेथड पढ़े. ओके, थैंक यू.